हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन एंड इंस्ट्रक्टर वाया नोटन स्कूल। तो आज के अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में एक और जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन बेसिकली होने वाला है हमारा स्ट्रिंग के ऊपर। इस क्वेश्चन में बेसिकली अपन क्या देखेंगे, हमें दो स्ट्रिंग दे रखी होंगी। अब हमने आपको कौन सी स्ट्रिंग फाइंड करनी है जो उनमें से कॉमन स्ट्रिंग आ रही हो, मतलब आपको दो स्ट्रिंग दे रखी है उनमें से आपको एक ऐसी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जो कॉमन हो रही हो। ओके, तो ये सब चीज अपन इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो बिना देर के करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा नोटन स्कूल के बारे में। ओके, तो नोटन स्कूल बेसिकली एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप टेक इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नोटन स्कूल का मेन मोटिव क्या है कि आपको 6 महीने का फुल स्टैक डेवलपर बनने की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो नोटन स्कूल का 300 से ज्यादा टेक कंपनी के साथ लेटर है जिसमें आपको गारंटेड प्लेसमेंट करवाया जाता है मिनिमम 5,66,000 के साथ। और जब आपका किसी भी टेक इंडस्ट्री में मिनिमम 5,66,000 प्लेसमेंट हो जाता है तभी आपको पे करना होता है, मतलब पहले प्लेसमेंट उसके बाद नोटन स्कूल को पेमेंट। और जो नोटन स्कूल का ये वाला बैच है उसके रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आपको एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो बस ये था हमारा नोटन स्कूल के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। और अब चलते हैं हमारे आज के वीडियो टॉपिक जिसमें अपन देखने वाले हैं कि किस तरीके से अपन कॉमन स्ट्रिंग फाइंड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, तो मैं अपने वीएस कोड एडिटर में आता हूं। तो यहां पर मैं आज कहूं अपने वीएस कोड एडिटर में, तो यहां पर मैंने क्या कर रखा, बेसिक सा सेटअप कर रखा है। बेसिक सा सेटअप क्या मतलब है, मेरा यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल क्रिएट कर रखी है और एक एप डॉट जेएस। ओके, अब इसके अंदर अपन यहाँ पे कोड करने वाले हैं। तो आपको एक दो स्ट्रिंग दे रखी होंगी। ओके, तो मान लीजिए मेरे पास एक दो स्ट्रिंग इस तरीके से होने वाले, स्ट्रिंग वन करके इस तरीके से, स्ट्रिंग वन एक हाई। ओके, इस तरीके से। और इसी तरीके से मेरे पास एक सेकेंड स्ट्रिंग होने वाली है स्ट्रिंग टू करके, और इसके अंदर होने वाले मेरे नाम होने वाला लाइक इस तरीके से। और अब आपको क्या करना है कि आपको कॉमन स्ट्रिंग फाइंड करनी है कि जो इनमें से कॉमन आ रही हो। ओके, यहाँ पे आप देखिएगा ऑल इस तरीके से ऐड करता हूँ, यहाँ पे जो इसमें से कॉमन स्ट्रिंग है वो आपको यहाँ पे ऐड, वो आपको रिटर्न करवानी है सिंपल। तो यहाँ पे इसको कैपिटल में लेता हूँ, ठीक है ऑल। तो आप किस तरीके से इस चीज को कर सकते हैं। ओके, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एच और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। तो अब यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, एच आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा कॉमन स्ट्रिंग क्या है, दोनों में से एच आने वाली है। ओके, तो ये मेरा बेसिक सा लॉजिक होने वाला है। तो अब इसको सोल्व करने वाले हैं किसकी हेल्प से करेंगे, तो मैप मेथड की, अपने इसको सॉरी मैप की हेल्प से इसको सोल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली मैप क्या करता है कि जो भी मैप स्टोर करता है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है, वो स्टोर करेगा की वैल्यू पेयर के फॉर्म में चीजों को स्टोर करेगा। और जो हमारी की होंगी वो सारी क्या होंगी, यूनिकली होंगी। ओके, और उनको सॉर्टेड ऑर्डर में उनको स्टोर कर रहा होगा। ओके, तो अपन यही चीज करेंगे, क्या करेंगे अपन, जो हमारी पहली स्ट्रिंग है ना उसको मैप के अंदर स्टोर करवा देंगे। ओके, मैप के अंदर स्टोर करवा दिए, उसके बाद अपन सेकंड स्ट्रिंग से उसको ट्रेवल कर रहे होंगे। ओके, अगर वो अवेलेबल होगी तो अपन एक टेम्पररी स्ट्रिंग बनाएंगे, उसके अंदर उसको ऐड करते जाएंगे। तो ये मेरा बेसिक सा लॉजिक होने वाला है। तो लॉजिक मैंने आपको बता दिया, अब इसका कोड का इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपने एक फंक्शन बना लेता हूं, फंक्शन बनाते हैं कि फाइंड स्ट्रिंग। ओके, फाइंड कॉमन स्ट्रिंग। तो यहां पे इस तरीके से बना देता हूं इसको कॉमन स्ट्रिंग करके। ओके, और यहाँ पे इस तरीके से इसको फंक्शन को बना देते, और इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है इस तरीके से कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर ऐड करते हैं और कुछ स्ट्रिंग यहाँ पे अपन पास कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग वन इस तरीके से पास करते हैं, और सेकेंड स्ट्रिंग स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग टू इस तरीके से। ओके, और इसके अंदर भी अपन इसको str1 कर लेते हैं, str2 कर लेते हैं। ओके, अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक मैप क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो मैप अपन किस तरीके से क्रिएट करेंगे, तो सिंपल हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर मैप किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो मैंने आपको पहले बता रखा है। इस तरीके से मैप और न्यू मैप करके यहाँ पे मेरा एक मैप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने मैप क्रिएट कर दिया, अब इस मैप के अंदर अभी तक कुछ भी नहीं है। अभी क्या करने वाले हैं, इस मैप के अंदर जो मेरा स्ट्रिंग वन है ना उसको ऐड करने वाले हैं। ओके, मतलब की की जगह पर क्या करेंगे, एच और आई स्टोर करवा दें, और इसकी वैल्यू की जगह पर क्या करा देंगे, ट्रू वैल्यू को अपन स्टोर करवा देंगे सिंपल से। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस तरीके से इसको पूरा को ट्रेवर्स करते हैं हमारी फर्स्ट वाली स्ट्रिंग को। तो किस तरीके से करेंगे, लेट कैर ऑफ हमारी str1, ओके str1 सॉरी, और इसके अंदर यहाँ पे अपन किस तरीके से इसको स्टोर करवाएंगे, स्ट्रिंग मैप। ओके, स्ट्रिंग मैप और करेक्टर, और इसके अंदर यहाँ पे इसको ट्रू वैल्यू सेट कर देते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये हमारी स्ट्रिंग आ रही है तो इसकी जगह मेरे को वैल्यू के फॉर्म में मेरे को ट्रू आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट जो मेरी स्ट्रिंग होने वाली है उसको मैंने मैप के अंदर यहाँ पे इसको स्टोर करवा दिया है। ओके, अब मैं क्या करूँगा सेकंड नंबर पे मैं क्या कहूंगा, मेरी फर्स्ट स्टोर हो चुकी है, मतलब एच और आई मेरी इस तरीके से यहाँ पे आ चुकी हैं। मतलब एच के करस्पॉन्डिंग मेरी क्या हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कमेंट के ऐड करके। एच के करस्पॉन्डिंग क्या हुआ है, मेरा ट्रू वैल्यू सेट हो गया, ठीक है।
इसी तरीके से मेरा किसके करस्पॉन्डिंग, मेरा आई के करस्पॉन्डिंग भी यहाँ पे मेरा क्या वैल्यू सेट हो गया, ट्रू वैल्यू सेट हो गया है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि अब मैं सेकंड स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करूंगा, सेकंड स्ट्रिंग को मैं चेक कर लूंगा कि वो वाली स्ट्रिंग मेरी इसमें अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल होगी तो मैं एक टेम्परेरी स्ट्रिंग बनाऊंगा, उसके अंदर उसको उस करेक्टर को मैं ऐड कर दूंगा। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टेम्परेरी यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, एक टेम्परेरी रिजल्ट स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से रिजल्ट स्ट्रिंग, और अभी के लिए इसको क्या रखने वाले, एम्प्टी रखने वाले, ठीक है, इस तरीके से इसको एम्प्टी रखते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को तो यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, और अब अपन क्या करेंगे, सेकंड स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपल करने वाला हूँ जो मैंने ऊपर यूज किया, लेट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टू, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं कंडीशन ऐड कर दूंगा, अगर जो मेरा करेक्टर है, जो मेरे स्ट्रिंग के जो मेरे करेक्टर होने वाले स्ट्रिंग टू के, वो मेरे मैप में अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल होगा तो मैं क्या कर दूंगा, रिवर्स स्ट्रिंग के अंदर उसको ऐड कर दूंगा उस करेक्टर को। ओके, वो मैं किस तरीके से चेक करूंगा, स्ट्रिंग मैप, ओके मैप, और जो मेरा करेक्टर होने वाला है अगर वो मेरा अवेलेबल होगा तो मैं सिंपल उसके अंदर उसको ऐड कर दूंगा। किस तरीके से ऐड करूंगा, रिजल्ट स्ट्रिंग, रिजल्ट स्ट्रिंग इस तरीके से, और इसके बाद यहाँ मैं सिंपल इस तरीके से उस करेक्टर को यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ओके, तो ये मेरा सिंपल सा क्या हो जाएगा, वो अगर करेक्टर अवेलेबल होगा तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा ए होने वाला है, ए यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर नहीं होगा, स्ट्रिंग मैप के अंदर नहीं है, तो वो सिंपल मेरा ऐड नहीं होने वाला। ओके, अगर मान लीजिए आप मेरा एच होता, वो एच मेरा मैप में अवेलेबल है, तो वो ऐड हो जाता मेरे इस स्ट्रिंग के अंदर। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल इस वाली स्ट्रिंग को यहाँ पे रिटर्न करा देंगे, ठीक है, रिटर्न मेरी रिजल्ट स्ट्रिंग जो होने वाली है, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद नहीं, एक चीज अपने को यहाँ पे और ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन मान लीजिए कोई भी स्ट्रिंग अवेलेबल नहीं हुई, तब अपन क्या चीजें रिटर्न करेंगे ना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर लेता हूँ, सिंपल यहाँ पे रिटर्न रिटर्न। ओके, और जो मेरी रिजल्ट, सॉरी, जो मेरी रिजल्ट स्ट्रिंग आई है ना, अगर उसकी लेंथ एक जीरो से बड़ी आई है, अगर मान लीजिए वो लेंथ जीरो ही रह जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को कोई भी लेंथ नहीं मिली ना, मतलब मेरे को कोई भी क्या कॉमन स्ट्रिंग नहीं मिलने वाली। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल रिजल्ट रिजल्ट स्ट्रिंग डॉट लेंथ। ओके, इसकी लेंथ को अपन चेक कर लेंगे, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है, ओके ग्रेटर देन जीरो है, तो अपन क्या करेंगे, सिंपल इसकी जो लेंथ होने वाली है वो अपन यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे। ओके, सॉरी, अपन इस रिजल्ट स्ट्रिंग को रिटर्न करवा देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से रिजल्ट स्ट्रिंग। तो अगर वो अवेलेबल नहीं है, मतलब हमारे जीरो जीरो है, कोई भी अवेलेबल नहीं हुआ, मतलब हमें कोई भी सब स्ट्रिंग नहीं मिली है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, सिंपल फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं पेज को सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद आप, मैं अपने वापस अपने ब्राउजर पे आता हूँ, और यहाँ पर आप देखिएगा कि मेरे पास क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मेरे को फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन सब स्ट्रिंग नहीं होने वाली। अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एच यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर देता हूँ, एच और आई इस तरीके से ऐड करूंगा, तो देखिएगा मेरे पास क्या चीजें मेरे पास आने वाली है, तो एच आई मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हो गया कि अपन इसमें किस तरीके से दो स्ट्रिंग हमें दे रखे, उसमें से अपन कॉमन सब स्ट्रिंग को अपन फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इनकेस अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर ही रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो बस गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।